आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं? सुप्रभात, किस्मत कनेक्शन लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ पूजा कविया। जी हाँ, किस्मत कनेक्शन में आज हम बात करेंगे आपके सितारों की, आपके भाग्य की, क्या कहता है आज का दिन, जानेंगे हम टैरो कार्ड्स के जरिए। इसीलिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, नीना वालिया जी, टैरो कार्ड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीना जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो नीना जी से आज हम जानेंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं, आपका भाग्य आज का क्या कहता है। लेकिन सबसे पहले हम जान देते हैं कि आखिरकार प्रदेशवासियों का दिन आज कैसे रहने वाला है, उनके लिए क्या कुछ खास है और क्या उन्हें करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए। जी, हरियाणा वासियों के दिन आज बहुत होप्स वाला दिन है, बहुत अच्छी उम्मीदें उनकी जो हैं भरपूर हो सकती हैं। ऑल दे नीड टू हैव इज अ गुड डायरेक्शन। अगर उन्हें अपना पता है कहाँ जाना है, फोकस्ड हैं, तो बहुत समझदार फैसले आज वो लेते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल फोकस रहने की जरूरत है और उसके बाद देखिए जो फैसला आप लेना चाहते हैं जरूर उसको पूरा भी कर पाएंगे। अब आपकी भी बारी है, अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई सवाल पूछना है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, अपने परिवार के बारे में पूछना चाहते हैं कुछ, अपनी नौकरी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम में आप लोग भी जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं, फोन उठाइए, हमें घुमाइए और जो भी आप पूछना चाहते हैं जरूर हम तक पहुंचाइए। नंबर की अब हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले नंबर एक की बात करते हैं। अंक एक वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है, क्या है खास उनके लिए? नंबर एक वाले आज थोड़ा सावधानी बरतें, बी वॉचफुल। आपके आसपास कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको नेगेटिविटी फीलिंग्स आपको अंदर से महसूस कराएं, तो अपने दिन को अच्छा करने के लिए यू हैव टू बी अलर्ट और अपने समझदारी से आप अपने आसपास के लोगों को पहचानें और आज का दिन आगे बढ़ाएं। तो नंबर एक वाले अपना दिन बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। दर्शक हमारे साथ रमेश जुड़े हैं। रमेश जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए। हेलो। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। 11/5/1992 बर्थ हुआ है जी, सुबह 5 बजे। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम किस्मत में नौकरी लिखी है कि नहीं लिखी है? चलिए जी, बिल्कुल आपके कार्ड थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं, यानी कि आप थोड़े निराश हो रहे हैं, काफी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस अंडरगो कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी थोड़ा सा ऐसे ही चलने वाला है, बट इससे आप बिल्कुल डिसअपॉइंट मत हों क्योंकि इट्स अ टेम्पररी फेज, थोड़े समय की बात है, उसके बाद आपके अच्छे नौकरी के चांसेस होंगे, बस थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखें। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत है, पेशेंस आपको रखेंगे और उसके बाद देखिए जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। आप तमाम दर्शक कार्यक्रम में जुड़ते रहिए। अब बात कर लेते हैं नंबर दो की। जो यहाँ जिन भी लोगों का अंक दो है उनके लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है, क्या खास है उनके लिए, जानते हैं कार्ड्स निकाल कर। जी नंबर दो वाले आज यही सुझाव देना चाहूंगी कि सोच समझकर आगे बढ़ें, डू नॉट टेक एनी हेस्टी डिसीजन, ऐसी कोई जल्दबाजी ना करें जिससे आगे जाके आपको पछताना पड़े, तो बहुत सोच विचार कर फिर कोई फैसला लें और अपने अंदर की आवाज की बात जरूर सुने। चलिए तो नंबर दो वालों को आज अपने अंतःमन की आवाज को सुनना होगा, यही आज आपका दिन कहता है। एक दर्शक हमारे साथ इकबाल सिंह जुड़े हैं। इकबाल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी, पूछिए। मेरे घर में एक मेरी पोती ने जन्म लिया है 11 जनवरी को 7:07 पे शाम को जी। जी तो इसके हिसाब से इसका अक्षर से निकलता है और इसकी राशि क्या बनती है जी? जी इनकी अगर जोडियक साइन के हिसाब से देखी जाए तो इनकी राशि कैप्रिकॉर्न बनती है, यानी कि मकर। चलिए शुक्रिया आपका इकबाल सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, बाकी के दर्शक कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर दो की बारी खत्म हो चुकी है, नंबर तीन की शुरुआत अब हम कर लेते हैं। जी हाँ,
नंबर तीन वालों के लिए क्या कहता है आज का कार्ड, जान लेते हैं। जी नंबर तीन वाले आज बहुत ही इमोशनली स्टेबल फील करेंगे, बहुत ही मेच्योरिटी से अपनी स्थिति को संभालेंगे, कुछ भी डिसीजंस लेने हैं तो बहुत ही आज मेच्योरली हैंडल करेंगे, यानी कि इमोशनली बहुत ही फुलफिलिंग डे रहेगा उनका आज। चलिए तो काफी फुलफिल डे आपका रहने वाला है। दर्शक हमारे साथ रोहताश जी जुड़े हैं, रोहताश जी नमस्कार। चलिए इनसे संपर्क लगता है नहीं हो पाया, आप फिर से कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा, जो भी आपको समस्या आ रही है हम तक पहुंचाइएगा। रमेश से जान लेते हैं, रमेश जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए। देखिए जरूर जुड़िएगा, कोई समस्या है बोलिए। रमेश जी फिर से दोहराइए, हम समझ नहीं पाए आपकी बात को। रमेश अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर से। चलिए आप टेलीविजन सेट की आवाज को देखकर ही जो आंसर दे रहे थे, हम अपील करते हैं कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, अपनी टेलीविजन सेट की आवाज को कम करके रखिए और उसके बाद हमसे जुड़िए, बेहतर संपर्क संवाद हो पाएगा। बाकी के दर्शक कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपना सवाल जरूर हम तक पहुंचाएं। नंबर चार की साथ ही बात कर लेते हैं। जी हाँ, अंक चार का भाग्य आज क्या कहता है, क्या कहते हैं उनके सितारे। जी नंबर चार वाले आज थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस कर सकेंगे, आसपास का माहौल जो है उनका थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, यानी कि उनके मुताबिक नहीं होगा, इसलिए उनको अपने आप को स्थिति में ढालना होगा ताकि उनकी जो रुकी हुई रुकावटें हैं वो आगे स्मूथ हो सके। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं बेहतर दिन आपका रहे तो जो रुकावटें हैं वो आड़े नहीं आएंगी, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। रमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमेश जी आपका सवाल क्या है पूछिए, डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछना है सर। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/07/1992। नौकरी के बारे में ये जानना चाहते हैं, नौकरी के बारे में पूछना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी नौकरी के बारे में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है आप अपने फैसले अच्छे ले सकने के सक्षम हैं, बहुत सूझबूझ से लेंगे, बहुत क्लैरिटी होगी आपके माइंड में कि आपको कहाँ जाना है और आने वाले समय में नौकरी आपकी मनचाही मिलेगी और आपको उसमें बहुत प्रफुल्लता भी मिलेगी, बहुत प्रॉस्परस होंगे और अच्छे स्टेबल भी होंगे। चलिए तो आने वाले समय में बेहतर नौकरी के योग बन रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ गणेश लाल जुड़ चुके हैं, नमस्कार गणेश लाल जी, आपका सवाल क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। हेलो जी बोलिए। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, उसका जन्म डेट है 1/9/2011, शाम 7:30 के बीच का समय, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा जी, और पढ़ाई और हेल्थ के बारे में जी। जी जी बिल्कुल, आपके बेटे के फ्यूचर के बारे में आपने पूछना चाहा है तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, उनकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी से मजबूती से अपनी पढ़ाई को, उसके इश्यूज को, एजुकेशन के हैंडल कर पाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेके आएंगे उनकी अपनी कोशिशों के हिसाब से, और हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बट थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है, यानी कि उनको थोड़ा सा अपने आप को चेक में रखना जरूरी होगा ताकि कुछ ऐसा स्थिति ना उत्पन्न हो, अदरवाइज द हेल्थ इज वेरी साउंड, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर उनका बहुत अच्छा है। चलिए तो कार्ड्स अच्छे आपके बेटे के दिखाई दे रहे हैं। रोहताश भी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, रोहताश जी आपका सवाल क्या है पूछिए और आप क्या जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तो, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है जो मैं सर्विस कर रहा हूँ। हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ 3/5/1966। तो नौकरी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर ये कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम बहुत नेगेटिव चल रहा है, आपका पास बहुत अच्छा था, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, यानी कि बहुत स्टेबल थे और अंदर से भी बहुत स्ट्रांग थे, अभी कुछ अनबन हो रही है या कि आपके फेलो पीपल हैं जो आसपास के हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी छाई हुई है, बट चिंता ना करें क्योंकि आने वाले समय में आप वही अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही मजबूती से अपने इश्यूज को हैंडल करते भी नजर आ रहे हैं, सो इट्स अ टेम्पररी फेस, उससे आप बिल्कुल अपने आप को हिलने ना दें क्योंकि आने वाला समय आपका बहुत मजबूत और स्टेबल है और बहुत अच्छा करते नजर आ रहे हैं।
चलिए, तो आने वाले समय में आप काफी अच्छा और बेहतर कर पाएंगे, अच्छा समय आपका बताया जा रहा है। बात अब नंबर 5 की भी हम कर लेते हैं। जी हाँ, नंबर 5 वाले अब ध्यान से सुने, आज का दिन उनका क्या कुछ कहता है, उनके लिए क्या खास है आज के दिन, हीना जी बताइए। जी, नंबर 5 वालों के लिए आज बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि उनको आज किस्मत भरपूर साथ देगी। वहां पे आज जहाँ पे आपकी अपनी कोशिशें पूरी होंगी, उसके अलावा आपको आपकी किस्मत पूरा साथ देगी, वो आपके साथ रहेगी, वो स्थायी होगी और बहुत मदद होगी। सो जो भी आपके आज प्लान्स हैं, तो आज बहुत ही पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपको फुलफिलिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो चलिए, नंबर 5 वालों का दिन काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं काफी फुलफिल बता रहे हैं कार्ड्स। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है इस दौरान, तो आप इस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए और पूछिए हमसे क्या समस्या आ रही है। कोशिश हमारी यही रहती है इस कार्यक्रम में कि आपको कुछ समाधान बताया जाए, आप किन रास्तों पर चल सके और छोटे छोटे टिप्स आपको मिल सके, ताकि बेहतर भविष्य, बेहतर जिंदगी आपकी हो पाए। नंबर 3 की बात अब हम साथ ही कर लेते हैं। जी हाँ, नंबर 3 वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, उनके भाग्य और सितारों में क्या है आज? जी, नंबर 6 वाले आज बहुत सोशलाइजिंग मूड में होंगे, यानी कि वो आज लोगों से मिलेंगे, बिल्कुल भी अपने आप को रिजर्व नहीं रखेंगे, आउटगोइंग होंगे, जेनरस होंगे, मदद करेंगे और बहुत ही खुशियां बिखेरेंगे। तो नंबर 6 वाले आज काफी खुशियां बिखेरने वाले हैं, ये कार्ड्स के जरिए अभी अभी पता चला है। बाकी के भी नंबरों की बात हम करेंगे, लेकिन नीना जी, अगर जिन भी लोगों का आज जन्मदिन है उनके लिए भी कुछ खास जरूर होगा, तो उनके कार्ड्स आज के दिन के लिए क्या कहते हैं, कैसा दिन उनका रहेगा? जी, जिनका भी आज जन्मदिन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आज का दिन उनका थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक मूड में हो सकता है, यानी कि आज उन पर जो ये ज़्यादा अच्छे अर्निंग्स की कमाने वाली बात है वो हावी हो सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऑनेस्टली प्रोसीड कीजिए, बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उससे फिर आगे रिजल्ट्स भी नेगेटिव हो सकते हैं। और आपको आज कोई मौका भी मिल सकता है, जिसे अगर आप पहचान के आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत ही लॉन्ग रन गेन्स हो सकते हैं। चलिए, तो जिनका भी जन्मदिन था उनके बारे में भी हमने आपको बताया। नीता हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है। नीता जी नमस्कार, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप क्या पूछना चाहती हैं? नीता जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, पूछिए अपना सवाल, पूछिए। मुझे मेरे बारे में ही जानना है। हाँ, मैं आगे पढ़ाई में आगे जाके कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं? अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/1/2003। जी 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 जी, आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है। बहुत ही आपके सेलिब्रेशन डेज आने वाले हैं, यानी कि आपके बहुत ही हैप्पियर डेज आ रहा है, बहुत खुशियों वाले दिन आएंगे। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि घर में सेलिब्रेशंस का माहौल हो सकता है, या कोई अच्छी खुशखबरी हो सकती है आपकी जिंदगी में। आने वाला टाइम बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है, जिसे आप सेलिब्रेट और करते नजर आ रहे हैं। तो आप यू कैन बी वेरी होपफुल और बहुत खुश रहें आप। तो चलिए, आज का भविष्य क्या कहता था आपका, वो हमने आपको बताया, लेकिन नंबर अभी काफी बचे हुए हैं। साथ ही आप लोगों के कुछ सवाल भी होंगे, जिनके बारे में आप जानना चाहते होंगे कि भविष्य में क्या है, या फिर आज का दिन आप लोगों का कैसे रहने वाला है, बताएंगे हम आपको जरूर। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे, सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। देखिए स्पेशल एट 11 हर रोज सुबह 11 बजे। हम्म,
वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देसी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देसी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सौंधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। देखिए NCR न्यूज सुबह 10 बजे। वेलकम बैक टू किस्मत कनेक्शन। बात हम आज आपके दिन की कर रहे हैं, आपके भाग्य आपके सितारों की कर रहे हैं। अगर इस दौरान आपका भी कोई सवाल है, आपके जहन में कुछ चल रहा हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, तो कार्यक्रम में जरूर जुड़िए और पूछिए अपना सवाल। नीना जी आपको बताएंगी कि आप क्या कर सकते हैं और भी बेहतर भविष्य के लिए, अपने बेहतर दिन के लिए। अब बात हम कर लेते हैं नंबर 6 की। जी हाँ, आज नंबर 6 का दिन क्या कहता है और क्या कुछ खास है उनके लिए? जी, नंबर 6 वाले आज बहुत ही मेहनत करते नजर आ रहे हैं, अपने टैलेंट्स और स्किल के ऊपर वर्कआउट करते हुए जो उनको अपने गोल्स में अचीवमेंट चाहिए उसके लिए बढ़ते नजर आ रहे हैं और बहुत बखूबी से अपने टैलेंट्स के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे और उनको उनके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो नंबर 6 वालों को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ये बताया। विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बताइए। मेरे हस्बैंड। पूछिए विकास जी। डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1991। क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो 3 महीने में मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ, एक लड़की के हस्बैंड के साथ शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी 3 महीने? जी बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज तो बहुत स्ट्रांग है, आप किस्मत पर छोड़ दें क्योंकि आपने अपनी तरह से जितनी कोशिश करनी थी आप कर चुके हैं, और अगर आपकी जिंदगी में आपकी डेस्टिनी में ये सब लिखा है जो कि पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है, आप होपफुल रहें, आप बहुत अच्छे कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपकी ये बहुत पॉसिबिलिटी है, आपकी हो पाएगी शादी। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, सुमित्रा जी से जान लेते हैं। सुमित्रा जी आपका सवाल क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बताइए। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पता करना चाहती हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/5/85। क्या पूछना चाहती हैं उनके बारे में आप? क्या इस साल नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी?
उनकी नौकरी में नौकरी के बारे में पता करना चाहती हूँ। जी, जी सरकारी नौकरी के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं, बट हाँ वो किसी के साथ मिलके अपना काम जरूर शुरू कर सकते हैं, या कोई इनको अपने साथ जोड़ना चाहता है तो उसके साथ जुड़ के ये जरूर कुछ शुरू कर सकते हैं, उसमें इनकी ज्यादा लॉन्ग गेन्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें ज्यादा इनको फल दिखाई दे रहा है। चलिए तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि कोशिश करते रहेंगे तो वाकई में नौकरी भी मिल पाएगी। एक और दर्शक बलविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलविंदर जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए सबसे पहले। बलविंदर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी मैम मिल रही है। पूछिए अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरी राशि 8285 है और मैम मैं अपना नौकरी का योग देखना चाहता हूँ, नौकरी है किस्मत या नहीं। नौकरी इनकी नौकरी है या नहीं है, नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, नौकरी आपकी लग सकती है, बहुत सोच विचार कर नौकरी की जो ऑफर आए या जहां पे आप जाना चाहें बहुत ही सोच विचार कर उसे एक्सेप्ट करें। और अभी नौकरी में आपको बहुत ऊंचा स्थान तो नहीं मिलेगा, बहुत बिगनिंग लेवल से हो सकती है, सो उसके लिए आप तैयार रहें ताकि आपको आगे जाके जो भी आपके उसमें बेटरमेंट हो वो विद टाइम होगी, बट अभी आपको थोड़ा बिगनिंग से ही शुरू करना पड़ेगा, यानी कि फ्रॉम द इनिशिएटिव फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लेवल, तो आप उसके लिए रेडी रहें और उसे एक्सेप्ट करें। चलिए तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको, मेहनत और जारी रखनी पड़ेगी। नंबर 7 वालों की अब हम बात कर लेते हैं। नंबर 7 का भाग्य आज क्या कहता है, उनके सितारे क्या कहते हैं जान लेते हैं। नंबर 7 वालों के लिए आज दिन बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है, यानी कि चीजों में जो आज रफ्तार है वो बहुत स्पीड पकड़ेगी, उनके सब काम आज बहुत जल्द होंगे और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। जो माइंड में उनके प्लान्स हैं टुवर्ड्स देयर वर्क वो भी काफी कामयाब हो सकते हैं, तो आप अपना दिन को अच्छा प्लान करें ताकि आप उसे एग्जीक्यूशन के टाइम बिल्कुल प्रॉपर शेप अप दे पाएं। चलो तो नंबर 7 वालों का दिन अच्छा रहेगा। नंबर 8 वाले भी जानना चाहते होंगे कि आज उनका दिन क्या कहता है, तो चलिए जिन भी लोगों का अंक 8 आता है उनके लिए आज क्या खास है जान लेते हैं। जी नंबर 8 वालों के लिए आज नए मौके तराशने की दिन है, यानी कि आज उनका कोई नया मौका कोई अवसर आए उसे अगर आप एग्जीक्यूशन में लाएंगे तो आपको बहुत अच्छे फुलफिलिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। चलिए तो रिजल्ट्स आपको भी अच्छे मिल पाएंगे। ऋषिपाल हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना है आपका ऋषिपाल जी और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए। हाँ जी मैम, मेरे को मेरी वाइफ के बारे में पूछना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 78। क्या पूछना चाहते हैं? क्या है आपका सवाल? मैम वो बीमार रहती है ज्यादा, स्वास्थ्य के बारे में आप पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल, चिंता ना करें, उनकी हेल्थ में बहुत जल्दी तब्दीली आएगी, सुधार होगा, और जो नया हो सकता है कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो या आप ट्रीटमेंट बदल रहे हो और वो बदलाव के कारण उनका सुधार हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिविटी आने वाले समय में नहीं दिखाई दे रही। आप चिंता ना करें और जो आपको कोई एडवाइस करें उसके अकॉर्डिंगली आप चलें, और ट्रीटमेंट में कुछ ज़रूरत है तो चेंजेस भी करें और उससे उनकी हालत में बहुत अच्छा सुधार आएगा। चलिए तो अगर सुधार चाहते हैं तो जो कुछ भी बताया है उसको जरूर मानिएगा। शुक्रिया आपका, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। अब नीना जी आखिरी नंबर की बारी आ चुकी है, नंबर 9 का भविष्य और भाग्य क्या कहता है। जी नंबर 9 वाले आज बहुत ही अपने काम के प्रति बहुत ही पैशनेट रहेंगे, यानी कि बहुत दृढ़ निश्चय से अपने कामों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो भी प्लान्स हैं उसमें आगे बढ़े, आपको उसका फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो नंबर 9 वालों को फल जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जरूरत है परिश्रम और मेहनत लगातार करने की। सक्सेस अगर पानी है तो सिर्फ किस्मत के भरोसे ना बैठिए, मेहनत करते रहिए और फिर देखिए सक्सेस भी आपके हाथ में जरूर लगेगी। नीना मारिया जी आप इस कार्यक्रम में जुड़ी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे दर्शक इस दौरान इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपने अलग अलग सवाल पूछे और हमने कोशिश यही की कि आप सभी दर्शकों के सवालों का जवाब बेहतर तरीके से दे पाए। फिलहाल किस्मत कनेक्शन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।